सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ पढ़ा रहे हैं स्कूल का और आज एक्सरसाइज हमने प्रश्नावली 2D शुरू कर दी थी। उसमें हमने 6 सवाल करा दिए हैं। अब जो भी सवाल बचे हैं हम एक एक सवाल कराएंगे, बाकी आपको करना है, ठीक है? देखते हैं। देखिए, 7वें का फर्स्ट px बराबर xq माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 gx x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है? x स्क्वायर माइनस 2 का xq माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें हमें भाग देना है। दिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 का एक्स क्यूब में भाग देंगे, क्या बच जाएगा? देखिए क्या बच जा सकता है, 1 बार जा सकता है, ठीक है? एक्स, जब हम इसमें एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 2x में गुणा करेंगे, देखिए एक्स का जब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का इसमें भाग देंगे तो क्या देखना, गुणा करना है इसमें xq माइनस 2x, ठीक है? जब हम x स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 4 माइनस 2x हो जाएगा, जाएगा नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है xq है, ठीक है? इसलिए हमारा क्या बात, हमारा बनी बात जा रहा है एक्स बार, ठीक है? यहाँ रख दिया, अब क्या आती है हमारा xq माइनस 2x, ठीक है? अब चेंज चेंज हो जाएंगे, ठीक है? एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, ठीक है? माइनस के 3x और प्लस के 2x, 2x स्क्वायर, ठीक है? क्या आएगा हमारा, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखिए भाग दिए क्या बार जा सकता है इसमें, पहले हम x का भाग दे रहे हैं इसमें, एक्स का भाग देंगे, ठीक है? देखिए क्या हो जाएगा हमारा, जब हम एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स क्यू माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हमें क्या लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x नहीं जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे इसमें, तो क्या 1 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, हो गया, ठीक है? ठीक है, आपको मिटा लें तो आप, ठीक है? अब देखिए एक्स क्यू से एक्स क्यू को डी जाएगा, ठीक है? हमारा कुछ नहीं बचा, अब क्या बचा हमारा, माइनस के 3x स्क्वायर, अब जब प्लस के 5x है और माइनस का 2x है, जब 5x में से माइनस 2x घटाएंगे क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा, प्लस के 3x, ठीक है? और माइनस का 3, ठीक है? ये देखिए हमारी संख्या एक्स क्यू, और जब हमारा एक्स स्क्वायर दे नहीं रखा है, हमारा 2x दे रखा है, तो हमें क्या संख्या सेम देखनी है, कौन सी बराबर संख्या, हमारी 5x है और माइनस की 2x है, ठीक है? यही तो था, घट जाएगी अब। अब जब हम इसमें माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 में गुणा करें,
भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए भाग दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू का, देखिए एक्स का करेंगे तो जा ही नहीं रहा है, ठीक है यार बन का करेंगे अब, बन एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है देखिए क्या आ जाएगा प्लस का बन एक्स स्क्वायर और माइनस का टू, ठीक है अब देखिए माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर है और प्लस का एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस का थ्री है और माइनस का टू है, इसके चिन्ह हम जब चेंज करेंगे यहाँ पे क्या प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और जब यहाँ पे माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है और प्लस के थ्री एक्स माइनस का वन, ठीक है कोई नहीं जा रहा है इसमें, हाँ ढंग से तो ये पूरा पूरा कटा नहीं, अब टू से नहीं कटेगा, हाँ हम थ्री से कर रहे हैं, ठीक है थ्री से भाग दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू का, ठीक है देखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के सिक्स, ये अब कट जाएगा बराबर, ठीक है अब ये कर सकता है, ठीक है माइनस का थ्री है, ठीक है माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा माइनस का सिक्स, ठीक है इन चेंज करेंगे प्लस प्लस ये इससे कट जाएगा थ्री बच जाएगा और थ्री एक्स ऐसा ही रह जाएगा, और मान जब माइनस के थ्री हैं और प्लस के सिक्स हैं कितने बचेंगे हमारे प्लस के थ्री, ठीक है तो प्लस का ही होगा ये प्लस का है, ठीक है माइनस कितने हो जाएंगे यहाँ पे अब नाइन, ठीक है हमारा भागफल आ गया, भागफल बराबर एक्स प्लस थ्री, ठीक है और शेषफल सेवन एक्स नाइन, ठीक है जब हम इसे प्लस प्लस करेंगे क्या हो जाएगा सेवन एक्स हो जाएगा प्लस का और माइनस का थ्री है और माइनस का भी सिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा हैं माइनस का भी नाइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है सही है आगे देखिए अब बाकी आप करोगे कितने हैं फर्स्ट दो रह गए दो आप करोगे, अब आठवें का हम फर्स्ट करा रहे हैं आठवें का फर्स्ट टी स्क्वायर माइनस थ्री,
टू फोर दस थ्री टी क्यू माइनस टू स्क्वायर माइनस टी बार माइनस के बारे ठीक है। अब देखिए हमें जी एक्स बराबर क्या दे रखा है टी स्क्वायर माइनस थ्री ठीक है और पी एक्स बराबर दे रखा हमें टू टी फोर प्लस थ्री टी क्यू माइनस टू टी स्क्वायर ठीक है माइनस के नाइन टी माइनस के ठीक है। अब पी एक्स में हमें इसका भाग देना है ठीक है देखिए टी स्क्वायर माइनस थ्री ठीक है टू टी पावर फोर प्लस थ्री टी क्यू माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टी है। अब देखिए भाग देखिए किससे भाग जा सकता है ये वाला टू टी स्क्वायर से भाग देते देख रहे हैं ठीक है टू टी स्क्वायर माइनस थ्री देखिए क्या हो जाएगा टू टी पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर सिक्स हो जाएगा माइनस सॉरी ठीक है देखिए चला गया। अब देखिए माइनस हमारे टू टू टी पे पावर फोर है ठीक है और माइनस का सिक्स टी स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर कौन दे रखा है हमारा माइनस का टी क्या ये है संख्या माइनस का टू टी स्क्वायर और टू टी पे पावर फोर ये दे रखी है इसी के नीचे लिखेंगे हम इसको टू टी फोर और माइनस के सिक्स टू स्क्वायर ठीक है संख्या देखेंगे कौन सी हमारी सेम मिल रही है ठीक है। अब इसके चिन्ह चेंज करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा इससे तो ये पूरा कट जाएगा ठीक है क्या बचेगा हमारा थ्री टी क्यू और माइनस सॉरी प्लस का होगा फोर टी स्क्वायर और माइनस का टी और ट्वेल्व ठीक है ये हो गया। अब फिर भाग देंगे अब किससे देंगे देखिए अब देखिए देख रहे हैं हम थ्री टी से थ्री टी से ठीक है थ्री टी क्यू माइनस थ्री टी। अब देखिए थ्री टी क्यू और माइनस का थ्री टी का दे रखा है माइनस का थ्री टी क्यू ये है और थ्री टी ये है और यहाँ पे माइनस का थ्री नाइन टी है ठीक है देखिए यहाँ पे रख दे रहे हैं थ्री टी क्यू और माइनस का थ्री टी ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा इससे ये कट जाएगा ठीक है क्या बचेगा हमारा फोर टी स्क्वायर माइनस का नाइन सॉरी नाइन नहीं माइनस का सिक्स टी ठीक है माइनस का ट्वेल्व। अब किससे भाग देखे देखेंगे फोर से अब देंगे हम फोर से भाग ठीक है देखे देखते हैं चला जाएगा कि नहीं फोर से भाग देंगे ठीक है। हमने पहले किससे भाग दिया था हमने टू टी स्क्वायर से ठीक है और फिर हमने किससे दिया था थ्री टी से ठीक है अब फोर से देख के देख रहे हैं चला देना फोर टी स्क्वायर और माइनस के ट्वेल्व ठीक है देखिए माइनस का ट्वेल्व ये दे रखा है और फोर टी स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे तो यहाँ पे रख देंगे फोर टी स्क्वायर और माइनस के ट्वेल्व चेंज चेंज करेंगे प्लस इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा ठीक है
हमारा क्या बचेगा माइनस 3 6 t, और यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस का है 4। ठीक है, हो गया हमारा भागफल क्या करेगा आ जा, भागफल बराबर है 2t² - 3t + 4, और शेषफल माइनस का 6t। ठीक है, ये भी हो गया। अब बाकी आप दो तुम करोगे, नौवे का बता रहे हैं हम। ऐसे सारे क्वेश्चन करने, देखो किससे भाग जाता है करके देख लो, बहुत सरल है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और वीडियो से जाना जाना शेयर हमारी तरफ। अब देखिए आ गई नौवां क्वेश्चन। नौवां भी आप करेंगे और दसवां भी, ठीक है। 11वां और 12वां मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए 11 हमें पी एक्स बराबर दे रखा है 3x4, ठीक है, प्लस 6x³, ठीक है, और माइनस 2x² - 10x5, ठीक है। यदि इसके दो शून्यांक, यदि इसके दो शून्यांक क्या दे रखे हैं हमें, रूट में 5/3 और माइनस के रूट में 5/3, ठीक है। अब करना है कैसे करेंगे, अब देखिए ठीक है, अब हमें इनसे भाग देना, कैसे देंगे भाग हमें पहले बनाना होगा। देखिए माना बहुपद के दो शून्यांक हो तब इनके गुणनखंड, इनके गुणनखंड क्या हुए, इनके गुणनखंड देखिए ये हुए माना, मान लिया हमने 5/3 x माइनस रूट में 5/3 और x प्लस 5/√3। जब हम इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा x² - 5√2, ठीक है। जब हम इसे बाहर लगा लेंगे क्या हो जाएगा x², ठीक है, 5/√3 रूट से बाहर आएगा, ठीक है। हाँ हमें x² - 5/3 से बाहर लेना है इस संख्या को लिख ले रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लेना आप,
सवाल को हल करा रहे हैं आगे। देखिए हमें इसमें भाग देना, किससे देना था हमें, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का ये ठीक है माइनस के पावर पे 3 भाग देना इससे। देखिए कैसे देंगे, किसमें देना 3x पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² 10x 5 ठीक है। आप इसे भूल जाओ ठीक है, अब इससे देना x² - 5 क्या आ जाएगा। देखिए हम जब x² - 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 15x² हो जाएगा ठीक है। अब देखिए 3x² - 4 हो जाएंगे ठीक है, जब x² का x गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² - 4 - 15x² ठीक है। अब देखिए 3x² और माइनस के 15x² कहाँ पे हैं ठीक है। देखिए x² हमारा कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, और x² ये दे रखा है। लिख देंगे हम इसके नीचे, अब क्या लिखेंगे, देखिए 3x² हमने किससे भाग दिया था, 3x² से ठीक है। अब माइनस के 15x² ठीक है। अब देखिए ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस के हैं ये प्लस के हो जाएंगे ठीक है, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 6q माइनस, अब घटाएंगे क्या बचेंगे हमारे प्लस के 13x² माइनस के 10x 15 ठीक है। इसे आप 3 को भूल जाओ, इसी से करना है x² - 15 ठीक है। अब देखिए 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 15 में अब आ देना है, किससे देंगे अब देखिए, अब हम 6x से भाग देके देख रहे हैं, देखिए 6x³ माइनस 6 × 5 = 30x देखिए हमारा चला जाएगा कहीं जा रहा है। देखिए x³ हमें यहाँ दे रखा है और x³ हमारा यहाँ भी है, 6 ये है 6 ये भी है, x ये यहाँ पर दे रखी है, अचर पद ये भी है हमारा और ये भी है, हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे रख देंगे प्लस का है 6x ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 6x³ और माइनस के 30x ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस और यहाँ पे प्लस, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3x² ठीक है, और प्लस के 20x माइनस के 15। अब देखिए किससे भाग देंगे, अब देखे देख रहे हैं हम 3 से ठीक है, 3 से भाग देते देख रहे हैं 3x² - 15 ठीक है ठीक है, इससे 3x² हो जाएगा माइनस के 15 गुणा करेंगे तो हमारा क्या चला जाएगा ठीक है, प्लस के 3x देखिए हमारा x² यहाँ पे दे रखा है और 15 अचर पद यहाँ पे भी अचर पद यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 3x² और माइनस के 15। अब देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा क्या बचेगा प्लस के 2x 20x और 15 में से माइनस 5 को घटाएंगे क्या बचेगा प्लस के 10। ये हमारा भागफल आ गया, ये हमारा शेषफल हो गया और ये हमारा भागफल हो गया क्वेश्चन हल ठीक है। भागफल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ठीक है। ठीक है अब देखिए कह रहा है ये और भागफल
बराबर 3x2 प्लस 3x 3k गुणनखंड करने पर, इनके गुणनखंड करने पर कर लोगे गुणनखंड तो आप कर ही रहोगे, ठीक है। गुणनखंड हमने बताया थे, फैक्टर काटते हैं इसमें, देखिए 3x2 प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन हमें क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले रहे हैं हम, x2 प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, देखिए ठीक है। x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स, ये तो 3 ऐसे ही चलेगा, ठीक है, एक्स प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 1 को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, ठीक है, क्या आ जाएंगे हमारे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसका क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस 1 हमारे लिख रहे आए ये शून्यांक, ठीक है। ओए कुछ सुना, ठीक है, दोनों चीज हमने लिखा दी आप, ठीक है। और देखिए 12 भी आप करेंगे, ठीक है, और 13 भी, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट वीडियो मैम, ठीक है, आप ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है, अब हम आपको 2E कराने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही रहने देते हैं, जय हिंद जय भारत। 87 मिनट की हो